नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, PTT कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी लिस्ट आपकी कब आएगी, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, इसी के साथ आपको कितने नंबर पर दूसरी लिस्ट में कॉलेज मिल सकती है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, दूसरी लिस्ट की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो पहली लिस्ट आई थी वो आपकी 15 नवंबर को जारी की गई थी। अब दूसरी लिस्ट आएगी, लेकिन उससे पहले आपका जो एडमिशन फीस जमा होगी, अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो ऑफलाइन करा सकते हैं, ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं। अगर आपकी कॉलेज पास है तो आप ऑफलाइन भी करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अगर आपका कॉलेज दूर है। इसके बाद दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ कि मनपसंद कॉलेज कैसे लें। मान लीजिए आपको दोस्तों कोई कॉलेज है, आपको पहली नंबर की कॉलेज नहीं मिली है, फर्स्ट चॉइस आपको तीसरी चॉइस की कॉलेज मिली है, तो उसके लिए आपको जो है अपवर्ड मूवमेंट कराना होता है। जी हाँ दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो अपवर्ड मूवमेंट की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 25 नवंबर तक है। तो आप 25 नवंबर तक अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं ई मित्र के द्वारा, जिससे कि आपको मनपसंद कॉलेज है वो मिल जाएगी, आपकी कॉलेज को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी, 22,000 रुपये जो आपकी फीस है वो भरनी होगी। इसके बाद आपको पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, तभी आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर सीट उसमें खाली होती है तो आपकी जो दोस्तों कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों हो गया आपका अपवर्ड मूवमेंट का। इसके बाद दोस्तों, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता है। तो अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट आता है दोस्तों, उसी के साथ आपकी सेकेंड लिस्ट भी जारी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड लिस्ट, तो सेकंड लिस्ट कब आएगी दोस्तों, तो ये देख सकते हैं, अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट आफ्टर कॉलेज रिपोर्टिंग। तो ये दोस्तों 25 नवंबर के बाद आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, लगभग 26 और 27 नवंबर को, क्योंकि 25 नवंबर लास्ट डेट है। इसके बाद 26 या 27 नवंबर को, 2 दिन के बाद ही आपकी जो अपवर्ड मूवमेंट और सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगी दोस्तों। अगर डेट बढ़ती है तो आपकी जो है 3 से 4 दिन और डिले हो सकती है, यानी कि 26 और 27 नवंबर के मध्य दोस्तों आपकी दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर आगे की प्रक्रिया वही रहने वाली है, आपको पूरी फीस जमा करानी होगी। चलिए अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि दूसरी लिस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों। तो जो पहली लिस्ट की कट ऑफ गई है दोस्तों, उससे 20 से 30 नंबर यहाँ पर जो है कट ऑफ है वो कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, 20 से 30 नंबर यहाँ पर दोस्तों कट ऑफ कम रहेगी। हालांकि जो साइंस की कट ऑफ दोस्तों वो थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि सीटें लिमिटेड रहती हैं। अगर किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं दोस्तों, तो उसमें से सिर्फ आपको 11 से 12 सीट ही दोस्तों जो है देखने को मिलेंगी साइंस की, यानी कि साइंस की कट ऑफ आपकी हाई रहती है। तो साइंस में लगभग आप कट ऑफ की अगर मैं बात करूं ओवरऑल कट ऑफ की, तो 330 प्लस आपके जो है सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सी भी कैटेगरी से हो। और आपकी दोस्तों यहां पर जो है ST कैटेगरी में कट ऑफ 300 पर भी आ सकती है। वरना आर्ट की जो कट ऑफ है दोस्तों, 280 और 290 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, क्योंकि आर्ट की जो सीटें रहती हैं दोस्तों वो 1 लाख से ज़्यादा हैं। लगभग 80% सीटें दोस्तों आर्ट की हैं, और बाकी की दोस्तों आपकी साइंस और बीकॉम वालों की सीटें रहती हैं। तो ये बात होगी दोस्तों दूसरी लिस्ट की, और आपको मनपसंद को ऐसी कॉलेज लेनी है। और आगे की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी आपकी। अब दोस्तों, जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गई हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। उससे पहले आपको 22,000 रुपये का चालान कटाना होगा दोस्तों, जो आपकी कॉलेज फीस होती है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और इसके साथ दोस्तों ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट, तीनों की मार्कशीट चाहिए दोस्तों, और जाति और मूल निवास, ये आपके मूल डॉक्यूमेंट होते हैं दोस्तों। और इसके साथ आपको आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी इसमें चाहिए होती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा दोस्तों राजस्थान PTT को लेकर। और आपकी सेकंड लिस्ट जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।